हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑलरेडी जो टेम्पलेट बनी हुई है उससे नया डॉक्यूमेंट टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमारा खुद का टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, पहला पॉइंट आपका क्या है, ओपन अ न्यू और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइप। मतलब एक डॉक्यूमेंट आपको पहले ओपन करना है, यू वॉन्ट टू मेक इन टू अ टेम्पलेट, जो भी आपको बनाना है उस टेम्पलेट में आप पहले बना लीजिए डॉक्यूमेंट को ओपन करके। उसके बाद में इन दिस डॉक्यूमेंट ऐड द कंटेंट फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल दैट यू वॉन्ट टू ऐड टू योर टेम्पलेट। अभी आपको उस डॉक्यूमेंट में जो भी आपको स्टाइल फॉर्मेटिंग करनी है, जो भी मार्जिन्स वगैरह सेट करने हैं, सब कुछ आप फॉर्मेटिंग करेंगे ताकि आपका जो टेम्पलेट है वो वैसा ही क्रिएट हो जाए। अब ये सभी करने के बाद में आपको क्या करना है, फाइल में जाके फाइल मेनू पे क्लिक करके टेम्पलेट, ये देखिए टेम्पलेट ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस टेम्पलेट के सब मेनू में देखो आपको क्या दिख रहा है, सेव। इस सेव पे आपको क्लिक करना है ना। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे आपके सामने ये टेम्पलेट का विंडो आएगा, है ना, डायलॉग बॉक्स आएगा। इस टेम्पलेट के डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे क्या न्यू टेम्पलेट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपने टेम्पलेट का नेम टाइप करना है। जो भी आप अपने अकॉर्डिंग नेम टाइप करेंगे वो आपके आपके ऊपर होगा, जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे टाइप करेंगे। अभी टाइप करने के बाद में नीचे कैटेगरीज दी है ना। अब कैटेगरीज में हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सी कैटेगरीज में हमारा टेम्पलेट आएगा। ये कैटेगरीज मतलब कुछ नहीं है कि उस फोल्डर में आपका जो टेम्पलेट है वो वहाँ पे सेव हो जाएगा, मतलब उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपका आपका टेम्पलेट दिखेगा। तो यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में क्या करना है आपको, ओके करना है। तो यही स्टेप हमको देखनी है इसमें। तो देखिए हमारी फोर्थ स्टेप क्या है, इट विल ओपन द टेम्पलेट डायलॉग। अभी आपको डायलॉग भी दिखाया था, इन द टेम्पलेट डायलॉग इसमें दो ऑप्शन आपके आ रहे हैं, इन द टेम्पलेट, इन द न्यू टेम्पलेट टाइप अ नेम फॉर द न्यू टेम्पलेट, है ना, नेम टाइप करना है आपके टेम्पलेट के लिए। उसके बाद में क्या करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, इन द कैटेगरी लिस्ट क्लिक द कैटेगरी टू विच यू वॉन्ट टू असाइन द टेम्पलेट, द कैटेगरी यू चूज हैज़ नो इफेक्ट ऑन द टेम्पलेट इटसेल्फ। आपके टेम्पलेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, ये खाली वहाँ पे उस फोल्डर में ही सेव करता है, उस कैटेगरी के अंदर ही आपके टेम्पलेट को सेव करता है। इट इज़ सिंपली द फोल्डर इन विच यू सेव द टेम्पलेट। उसके बाद में ओके पे क्लिक कर देना है जिससे आपका जो टेम्पलेट है वो सेव हो जाएगा। आफ्टर दैट सेटिंग अप डिफॉल्ट टेम्पलेट। अभी हमको क्या करना है कि एक डिफॉल्ट टेम्पलेट सेव करके रखना है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को जब भी ओपन करेंगे वो डिफॉल्ट टेम्पलेट आपका ओपन होता रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, है ना। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइल मेनू में जाके आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना है। टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन ये देखिए आपको ऑर्गेनाइज दिख रहा है, इस ऑर्गेनाइज पे क्लिक करना है आपको। तो ये कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, टेम्पलेट मैनेजमेंट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, है ना। इस टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स से फिर आपको क्या करना है, यहाँ से ये देखिए माई टेम्पलेट जो भी कैटेगरी है आपको सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक कमांड की बटन है, कमांड के बटन में आपके ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यही स्टेप हमको देखनी है। देखिए क्लिक कमांड फाइल टेम्पलेट्स एंड ऑर्गेनाइज, इट विल ओपन द टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स। सेम हियर, फाइल मेनू टेम्पलेट ऑर्गेनाइज, ओपन द डायलॉग बॉक्स ऑफ टेम्पलेट मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इन द टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग। अब इसमें आपको क्या करना है, इन द लेफ्ट ऑफ द बॉक्स डबल क्लिक द फोल्डर कंटेनिंग द टेम्पलेट दैट यू वॉन्ट टू सेट एज द डिफॉल्ट। अब इनमें से आपको डबल क्लिक करना है किसी भी फोल्डर पे जिसमें से आपको डिफॉल्ट सेट करके रखना हो, है ना, एंड क्लिक ऑन द टेम्पलेट नेम दैट यू वॉन्ट टू सेट एज द डिफॉल्ट। अभी फिर आपको यहाँ से आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना है जिसको आपको डिफॉल्ट सेट करके रखना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लिक द कमांड बटन ऑन द राइट। अब ये कमांड बटन के राइट पे आपको ये देखो एरो दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, ये ड्रॉप डाउन मेनू में से आपको क्या सेट करना है, फिर सिलेक्ट करना है सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट। पॉइंट में वही लिखा है कि क्लिक द कमांड बटन ऑन द राइट एंड फ्रॉम द इट्स ड्रॉप डाउन मेनू क्लिक द कमांड सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट। यहाँ से आपको डिफॉल्ट टेम्पलेट आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड विथ एवरी फाइल न्यू कमांड द डॉक्यूमेंट क्रिएटेड फ्रॉम दिस टेम्पलेट। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे इस टेम्पलेट के बेस्ड पर ही या इसी टेम्पलेट की फॉर्मेटिंग से ही आपका डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट होगा या बनेगा। नेक्स्ट इज चेंजिंग टू अ डिफरेंट टेम्पलेट एंड अपडेटिंग अ डॉक्यूमेंट। अभी आपको क्या करना है, चेंजिंग डिफरेंट टेम्पलेट आपको चेंजिंग करना है और उसी से आपको डॉक्यूमेंट को अपडेट भी करना है। तो कैसे करेंगे, समटाइम्स यू हैव अ डॉक्यूमेंट फॉर विच यू वॉन्ट टू अप्लाई अ डिफरेंट टेम्पलेट, जिसमें डिफरेंट टेम्पलेट आपको अप्लाई करनी है
फॉर दिस देर इज नो डायरेक्ट कमांड अवेलेबल. ऐसे डायरेक्टली कमांड तो नहीं है आपको, कॉपी पेस्ट ऑप्शन से ही आपको इसमें करना होता है. बट यू कैन डू इट बाय यूजिंग फॉलोइंग स्टेप. अब ये स्टेप्स में हमको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट यूजिंग द टेम्पलेट विथ विच यू वॉन्ट टू अटैच दिस एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट. सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट को, न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेंगे. उसके बाद आपको क्या करना है, ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन अ सेपरेट विंडो. फिर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को आपको ओपन करना है एक सेपरेट विंडो में. फिर ये जो कंटेंट है आपको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है, पूरा जितना भी डॉक्यूमेंट में कंटेंट है. कंट्रोल ए का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल, है ना. सिलेक्ट ऑल करने के बाद में आपको क्या करना है, कॉपी करना है. तो कंट्रोल प्लस सी से आपका कॉपी हो जाएगा. फिर आपको क्या करना है, पेस्ट करना है. नाउ पेस्ट दिस कंटेंट इन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट. जो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया था वहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा. यू क्रिएट इन स्टेप वन, जो स्टेप वन में जो आपने क्रिएट किया था वहाँ पे जाके आपको खाली पेस्ट करना है. नाउ द स्टाइल एंड अदर फॉर्मेटिंग फीचर्स डिफाइन इन द न्यू टेम्पलेट विल बी अप्लाई टू द पेस्टेड कंटेंट. तो जो भी उसमें आपने कॉपी किया था वो सभी उसमें क्या हो गया, पेस्ट हो गया और न्यू डॉक्यूमेंट में आपका चला गया. आपने पेस्ट कर दिया सारा कंटेंट. सेव योर अपडेटेड डॉक्यूमेंट एज पर अ न्यू टेम्पलेट विथ नेम. अब उस डॉक्यूमेंट को आप सेव कर लीजिए. यू हैव अपडेटेड योर डॉक्यूमेंट एज पर न्यू टेम्पलेट. तो इस तरीके से आपने न्यू अपडेटेड डॉक्यूमेंट को, टेम्पलेट को क्रिएट कर लिया है. उसके बाद में दो चेक पॉइंट्स है आपके. दो चेक पॉइंट्स में आपको पहले में क्या आना है ये आप अच्छे से जानते हैं, ये आपको करना है. और दूसरे में दैट इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ टेम्पलेट. नॉट एडवांटेज ऑफ टेम्पलेट कौन सा होगा, सिंप्लीफाइड वर्किंग होगा, कंसिस्टेंट स्टाइल या सेव्स टाइम्स या इजियर ग्राफिक्स. अभी आपने एडवांटेजेस पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, तो आपको ये सॉल्व करना है उसको देख के.